हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू संजय क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे जो अभी हमने सेक्शन करा ना डिन का, 152 से लेके 157 तक जो सेक्शंस हम लोगों ने कवर करे हैं, 159 तक सॉरी, तो उसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। और मेरे पास बुक है मुनीश भंडारी सर की और उसी में से हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है 1.6A, तो इसमें क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं और देखते हैं, डिस्कशन करना शुरू करते हैं। ठीक है सर, कहता है मिस्टर विनय कुमार अप्लाइड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर अलॉटमेंट ऑफ अ डिन। तो कोई विनय कुमार नाम का बंदा है, अब आप सब बच्चों को प्रोसेस पता है, आरओसी में अप्लाई करा है। इस बंदे ने एप्लीकेशन दी है कि भैया मेरे को डिन की आवश्यकता है, इसने फर्स्ट टाइम क्या करा है आरओसी में अप्लाई करा। ओके, ऑन 1st नवंबर 16 इस बंदे ने अप्लाई करा 1 नवंबर 2016, तो ऑफिशियली ये बनता है 30 दिन के अंदर अंदर इसको क्या मिल जाए डिन, आरओसी क्या कर दे इसको दे दे, और अगर नहीं दे पाती है तो भाई साहब फिर रिप्लाई कर दे कि सो दैट ये रिजेक्शन हो जाए या फिर दोबारा से रीअप्लाई कर सके जो भी वैलिड ग्राउंड्स हैं। ठीक है, रिजेक्शन में तो आरओसी वेबसाइट वगैरह पर डालती है, इसको मेल वगैरह करती है, वो तो सारी चीजें रहती हैं। एज ही इज प्लानिंग टू इनकॉर्पोरेट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो मेरे प्यारे बच्चों ये बंदा चाह रहा है कि भैया मैं भी अब डायरेक्टर वाले वो देखूं और मुझे बनानी है एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ओके सर, क्वेश्चन ये है, इसने एप्लीकेशन दी है एप्लीकेशन फॉर डिन। ओके, आगे चलते हैं क्या हो रहा है, क्वेश्चन ध्यान से सुनना है, समझने की कोशिश करनी है। द स्टेटस ऑफ दिस डिन एप्लीकेशन प्रेजेंटली इज शोइंग एज पुट अंडर रीसबमिशन। अब यहाँ पर जो स्टेटस की बात करी जाए कि उसके डिन का क्या शो कर रहा है, ये स्टेटस शो कर रहा है पुट अंडर रीसबमिशन। इसका जो स्टेटस है ये शो कर रहा है पुट अंडर रीसबमिशन। ठीक है सर, अब ये क्या होता है और ये क्या मतलब, जो पोर्टल पे इसने रिक्वेस्ट डाली है, याद करो रिक्वेस्ट कौन से फॉर्म में डलती थी, फॉर्म नंबर DIR3, फॉर्म नंबर DIR3। ठीक है सर, www.mca.gov.in। ठीक है सर, इसी पर रिक्वेस्ट डाली जाती थी। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। अब डिस्कशन करते हैं, कहता है आपसे ही सीक्स योर गाइडेंस to whether his application has been rejected and he is required to obtain a fresh DIN. अब आप उसे suggest करो क्या उसकी application reject हो गई है या फिर उसे fresh DIN के लिए apply करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर पहले तो आपको वही सारी कहानियां बतानी थी, तो हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या conclusion है। वैसे ऐसा नहीं है क्योंकि ये जो put under resubmission है, ये जो MCA की वेबसाइट है इस पर उन्होंने वो डाले हुए हैं फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस में, उसमें साफ साफ ये बात लिखी हुई है कि अगर पुट अंडर री सबमिशन है तो उस केस में कोई दोबारा से अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। मतलब ये है कि आपको फ्रेश अप्लाई करने की नीड नहीं है। तो देखते हैं सर ने किस तरीके से इसमें आंसर किया है और किस तरीके से हमें भी इसको समझना है। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। चलो बच्चों डिस्कशन कंटिन्यू हम अपना रखेंगे। तो बच्चों अब हम इसका आंसर देखते हैं कि सर ने क्या आंसर लिखा है, जो जो काम की बातें होंगी वो हम लिखते रहेंगे और फिर हम आगे चलते रहेंगे। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। इससे फायदा ये होगा कि थोड़ा स्पीड में हम क्वेश्चंस पढ़ भी लेंगे और साथ के साथ समरी हमारे यहाँ पर आती भी रहेगी। ये नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। The given problem relates to section 153 or and 154. तो इसमें दो section 153 और 154 हमारे related हैं इस problem से, of the Companies Act 2013 and Rule 9 and 10 of the Companies Act, appointment and qualification of director. ठीक है सर, तो Rule 9 और Rule 10 भी लग रहे हैं, appointment और क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट और क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स के कुछ रूल्स होते हैं। और ये जो लिखा है 2014 रूल्स 2014, तो मैं आपको बता दूं इनके लिखने के कोई ऐसे मार्क्स नहीं होते हैं, आप नहीं भी लिखोगे तो आपके मार्क्स नहीं कटते हैं, याद है तो बढ़िया है। सर ये आप कह रहे हो, नहीं बच्चों मैं नहीं कह रहा हूँ, जो टॉपर्स हैं जिन्होंने AIR 1 ला रखी है उनकी स्टेटमेंट है ये सब कहने वाली कि सेक्शन वक्शन के कोई मार्क्स नहीं होते हैं। एज पर सेक्शन 153 कहता है रेड विद रूल नंबर 9, तो कहता है जब हम 153 की रीडिंग करते हैं, रीड विद रेड विद रूल नंबर या रीड विद रूल नंबर इसको पढ़ दीजिए 9 के साथ, तो क्या कहता है, ऑफ द कंपनीज एक्ट अमेंडमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स रूल 2014
एवरी इंडिविजुअल इंटेंडिंग टू अपॉइंट अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी शैल मेक एन। तो ये सारी कहानी तो मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि कोई भी इंडिविजुअल अगर डायरेक्टर बनना चाहता है, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर ये डायरेक्टर बनना चाहता है तो इसको क्या करना पड़ता है, इसको एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है। और फॉर्म नंबर क्या लगता है, DIR3 लगता है। फॉर्म नंबर क्या लगता है प्यारे बच्चों, DIR3। किसको एप्लीकेशन देनी पड़ती है, ROC को, विद प्रेस्क्राइब्ड फीस। और प्रेस्क्राइब्ड फीस एज पर रूल रहती है, चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम, बट अभी 500 रुपए है। चलो जी सर, एवरी इंडिविजुअल इंटेंडिंग टू अपॉइंट एज अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी शैल मेक एन एप्लीकेशन फॉर द अलॉटमेंट ऑफ डीन इन फॉर्म DIR3। ठीक है, एज पर सेक्शन 154। अब ध्यान से समझो, 153 में ये बंदे ने क्या दे दिया है, ये एप्लीकेशन देगा। कोई भी एप्लीकेंट बोल दो, कोई भी जो एप्लीकेंट है जो क्या बनना चाह रहा है, डायरेक्टर बनना चाह रहा है। ठीक है जी सर, डायरेक्टर बनने की विषय अभी बना नहीं है, वो चाहता है। कहता है एज पर सेक्शन 154, अगर यहीं पर जब डिस्कशन करी जाती है तो मेरे प्यारे बच्चों, एज पर सेक्शन 1 सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अलॉट डीन। अब यहाँ पर आ जाता है सेक्शन 154। सेक्शन 154 में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, CG जो है वो क्या करेगी, इस बंदे को डीन अलॉट कर देगी। बताइए, इस बंदे को डीन मिल जाता है, और कितने दिन में डीन मिल जाता है, विद इन 30 डेज। इसको विद इन 30 डेज के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर देगी, डीन अलॉट कर देगी टू द एप्लीकेंट विद इन 1 month ऑफ द रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन। जिस दिन उसको एप्लीकेशन मिली है, उस एप्लीकेशन के 30 दिन के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर देगी बच्चों, इसको डीन अलॉट कर देगी, नो प्रॉब्लम। ठीक, आगे चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है अब ये तो रूल 9 की चर्चा चल रही थी, अब कहता है रूल नंबर 10 की चर्चा कह रहा है। कहता है इफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन एग्जामिनेशन, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ये चाहे, मतलब पाती एग्जामिनेशन पर, फाइंड्स दैट द एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ डीन मेड बाय द एप्लीकेंट इज डिफेक्टिव। अगर यहाँ पर लग रहा है कि इस बंदे ने ये वाली जो एप्लीकेशन दी है, अगर ये वाली एप्लीकेशन डिफेक्टिव पाई गई, अगर ये एप्लीकेशन क्या पाई गई, डिफेक्टिव पाई गई, या फिर क्या पाई गई, इनकम्प्लीट पाई गई, डिफेक्टिव पाई गई या फिर क्या पाई गई, इनकम्प्लीट पाई गई, इट शैल गिव इंटीमेशन ऑफ सच डिफेक्ट और इनकम्प्लीटनेस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, अगर ये डिफेक्ट है और ये इनकम्प्लीटनेस, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है कि डिफेक्ट और इनकम्प्लीटनेस पाई गई जा रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी बच्चों, बताओ, इस वाले डिफेक्ट और इनकम्प्लीटनेस को इंटीमेट कर देगी इसी बंदे को। क्या इंटीमेशन दे देगी कि भैया ये डिफेक्ट है और ये प्रॉब्लम है। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम, आगे की डिस्कशन करते हैं। कहता है इंटीमेशन ऑफ सच डिफेक्ट और नंबर बाय प्लेसिंग इट ऑन वेबसाइट। अब वो इंटीमेशन कैसे कैसे दे सकती है, इंटीमेशन अपनी वेबसाइट पे डाल सकती है, उस बंदे को भेजती है मेल के थ्रू, ध्यान रखना, एंड बाय ईमेल, एंड लिखा हुआ है वेबसाइट पे तो डालेगी ही डालेगी, और साथ में एंड बाय ईमेल, और ईमेल के थ्रू भेजेगी टू द एप्लीकेंट हु हैज फाइल्ड सच एप्लीकेशन, डायरेक्टिंग द एप्लीकेंट टू रेक्टिफाई सच डिफेक्ट और इनकम्प्लीट। डायरेक्शन देगी कि भैया तेरा ये इस कमी की वजह से तेरा क्या हो गया, ये रिजेक्ट होने जा रहा है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम है तो भी ठीक कर ले इसको, बाय रीसबमिटिंग द एप्लीकेशन। कहता है और आप चाहो तो रीसबमिट कर लो विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज। तो ये बंदा चाहे तो दोबारा से, बताओ बच्चों, अब यही वाला इंडिविजुअल अगर दोबारा से रीसबमिट करेगा तो इसको रीसबमिशन टाइम कितने का मिल जाएगा, 15 डेज का। सर जो उसने पहले फीस दे दी है क्या उसका क्या होगा, लो जी बच्चों मैं वैसे बता दूं, पहले वाली फीस जो ऑलरेडी एक बार पेड हो चुकी है, इवन अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो आपकी वो फीस ना तो रिफंडेबल होती है ना ही एडजस्टेबल होती है, ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पर तो केस अभी ऐसा नहीं है कि भाई हमने रिजेक्ट कर दिया, तो वो सिचुएशन बता रही है कि अगर डिफेक्टिव है, इनकम्प्लीट है, इंटीमेशन दे देगी सेंट्रल गवर्नमेंट, और इंटीमेशन मिलने के बाद उस बंदे के पास दोबारा से वो रहेगा कि 15 दिन के अंदर जो जो तेरे को डायरेक्शन दी गई है उस डायरेक्शन को पूरा कर ले। अब इन सच अ केस, अब इस तरीके के केस में, यानी अगले 15 दिन में, सेंट्रल गवर्नमेंट शैल रिजेक्ट द एप्लीकेशन, रिजेक्ट कर सकते हैं एप्लीकेशन को। एंड अब यहाँ पर जब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वो आ गई है, मान लो उसमें उस बंदे ने दोबारा से भी, अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या क्या करेगी बताओ, सेंट्रल गवर्नमेंट रिजेक्ट कर सकती है एप्लीकेशन को, जी सर नो प्रॉब्लम, और क्या कर सकती है, एंड डायरेक्ट द एप्लीकेंट टू फाइल एप्लीकेशन, तो रिजेक्ट करके ये बोल सकती है कि भाई दोबारा फाइल करो, अगेन फाइल करो एप्लीकेशन,
दोबारा फाइल कीजिए एप्लीकेशन, नो प्रॉब्लम। और उसके अलावा क्या कह सकती है, कर्विक करेक्ट इंफॉर्मेशन वेयर द डायरेक्ट डिफेक्ट हैज बीन रेक्टिफाइड पार्शियली और इंफॉर्मेशन गिवन स्टिल फाउंड टू बी डिफेक्टिव। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकती है, डायरेक्ट कर सकती है एप्लीकेंट को कि भैया दोबारा से फाइल करो विद कंप्लीट और करेक्ट इंफॉर्मेशन के साथ। ट्रीट एंड लेबल सच इन एप्लीकेशन एज इनवैलिड, चाहे तो जो बैक एंड पे जो बंदे काम कर रहे हैं वो उसको इनवैलिड भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इन द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इन केस द डिफेक्ट्स आर नॉट रिमूव्ड, अगर डिफेक्ट्स कहने के बावजूद भी रिमूव नहीं किए गए हैं, इन्फॉर्म द एप्लीकेंट आइदर बाय वे ऑफ लेटर और बाय पोस्ट इन एनी वे। तो भाई एप्लीकेंट को इन्फॉर्म कर देगी कि भैया तेरी एप्लीकेशन का ये हुआ है, चाहे वो कैसे इन्फॉर्म कर देगी बच्चों बताओ एप्लीकेंट को, लेटर से या फिर किसी अदर मोड से, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली या फिर कोई अनदर मोड वगैरह, कोई जो भी मोड सूटेबल लग रहा है। अब हमारा क्वेश्चन है जो पुट अंडर सबमिशन में था, रीसबमिशन में क्या वो रिजेक्शन माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, तो ये हमारे सामने क्वेश्चन है। हम देखते हैं कि इस पर जो सर ने क्या लिखा हुआ है और क्या उनकी कंक्लूजन है। लो जी बच्चों, तो क्वेश्चन कहता है My DIN applicant, the Ministry of Corporate Affairs, MCA, on its website displayed frequently asked question. तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, MCA ने अपनी MCA की जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पर उसने FAQ में ये सारी बात बता रखी है। क्या बता रखा है, the Ministry of has affair, the MCA on its website displayed FAQs with respect to DIN. One of the FAQ reads as, my DIN application has been put under resubmission. Am I required to fresh DIN application? तो resubmission वाली बात आ रही है, किसी बंदे ने पूछा हो गया, मतलब उन्होंने खुद ही question बना रखा है, मेरी जो है DIN है वो resubmission में है, है ना, my DIN application has been put under resubmission, resubmission में put कर ली गई है, और क्या कहता है, जो भी है, क्या है, अलगवाल, and am I required to obtain a fresh DIN application? Answer. क्या कहता है? No. अब यहाँ पर साफ-साफ वो कहता है resubmission में MCA के FAQ में ही reply है. No, no, no. If the DIN application is put under resubmission, for example, due to following reasons, you can submit additional documents for rectifying your DIN application within a period of 15 days from the date on which it is marked. तो बच्चों जिस दिन जो DIN है आपकी, क्या लिख रहा है, जिस दिन DIN आपका या जो आपकी एप्लीकेशन है वो पुट अंडर री सबमिशन में रखी गई है, जिस दिन आपकी आपकी एप्लीकेशन पुट अंडर री सबमिशन में रखी गई, मुझे लगा छिपकली वगैरह आ गई, ठीक है सर, तो जो DIN है वो पुट अंडर री सबमिशन में रखी गई है, तो उस दिन के उससे 15 डेज के अंदर, मतलब ऐसा है कि फ्रेश एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है, यू कैन सबमिट एडिशनल डॉक्यूमेंट फॉर रेक्टिफाइंग योर DIN एप्लीकेशन विद इन अ पीरियड ऑफ 15 days. तो यहाँ से 15 दिन के अंदर अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, on which it is marked for resubmission, हमें कुछ documents देने पड़ेंगे, identity proof देना पड़ेगा, residence का proof देना पड़ेगा, अगर पहले नहीं दिया था या फिर expire हो गया था, proof of date of birth का proof देना पड़ेगा, तो ID proof देना पड़ेगा, residence proof देना पड़ेगा, date of birth देना पड़ेगा, ठीक है, पहले अगर इनक्लोज नहीं कराया तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे, आर नॉट अगर सपोर्टिंग पहले तो नॉन सबमिशन ऑफ एफिडेविट, तो अगर ये सारी चीजें पहले दिक्कत हुई है तो आपको सब देना पड़ेगा, सॉरी, ऑन री सबमिटिंग द एडिशनल डॉक्यूमेंट सेम DIN विल बी अप्रूव्ड, वेरी गुड। जैसे आप ये तीन चार डॉक्यूमेंट सारे के सारे दोबारा से सबमिट कर दोगे तो आपका पुराने वाला DIN ही क्या हो जाएगा, सेम DIN शैल बी अप्रूव, समझ में आ गई बात, सेम DIN विल बी अप्रूव, शैल बी या विल बी तो बात होती है, नो प्रॉब्लम, नो इश्यू सर। कहता है इफ डॉक्यूमेंट्स आर फाउंड इनकरेक्ट ऑर्डर एज पर मार्क प्रोसेस, ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। दस बेस्ड ऑन द अबव एफएक्यू एंड इट्स आंसर एंड रूल नंबर 10, Number 10, it can be concluded that application for DIN made by Mr. Vinay Kumar has not been rejected, reject नहीं हुई है, and he has not required to make a fresh or DIN, उसे कोई fresh DIN डालने की आवश्यकता नहीं, he is required to rectify his earlier application within 15 days from the date of it. ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात, जी सर, तो बच्चों ऐसा कुछ नहीं है,
आई एम नॉट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हूँ। हाँ, मैं काफी सालों से अकाउंटेंसी पढ़ा रहा हूँ 2008 से। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहो, मेरे साथ, मैं एक CA फाइनल का स्टूडेंट हूँ, और अगर आप मेरे साथ अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, हम लोग मिलकर तैयारी कर सकते हैं, मिलकर पढ़ सकते हैं, एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं इस तरीके की वीडियो से, रिविजनरी कंटेंट से, या वैसे फोन पे डिस्कशंस वगैरह करके ग्रुप स्टडीज भी हम लोग कर सकते हैं। तो अगर आप जेन्युइनली आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। एंड हाँ, अगर आप मेरे साथ जुड़कर स्टडीज वगैरह करना चाहते हो, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ना चाहते हो, तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। एंड हाँ, हमारी ऐप भी अवेलेबल है, आप प्ले स्टोर से हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, संजय क्लासेस। ओके जी दोस्तों, बाय।